प्लानिंग अच्छी खासी की हुई है, स्ट्रैटेजी भी की हुई है पहला दिन और दूसरे दिन की, कि टाइम सही करने के लिए सब कुछ बता भी नहीं सकते। आज जामगढ़ वाला सेक्शन है, तेज सेक्शन है, कोशिश करेंगे इसमें भी टाइम बनाए। चुलिस्तान में जो डे वन है उसमें मोस्टली हार्ड सरफेस है, दैट इज़ लाइक झलमगसी और कुछ जगहों पे गवादर की तरह बहुत हाई स्पीड टेरेन है, हाई स्पीड टर्न्स हैं। 140 50 पे आपको, 60 पे, 160 पे में भी आपको टर्न्स मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि डे वन तो बहुत फ़र्क है, और डे टू में चूंकि दोनों जगह सैंड है, लेकिन चुलिस्तान की रेड सैंड है और थल की वाइट सैंड है, तो सैंड के बिहेवियर में फ़र्क होता है। ऑब्वियसली एवरी रेसर वांट टू स्टार्ट इन चुलिस्तान बिकॉज दिस इज़ अ बेंचमार्क रेस इन पाकिस्तान। रेकी में, रेकी बेसिकली आपकी रेस नहीं है, वो है आपकी पॉइंट मार्किंग कि आप टर्न्स में या जंप्स में आपने किस तरह गुजरना है। तो वो आपको एटलीस्ट एक दो रैकीज तो बहुत स्लो करनी चाहिए। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, चोलिस्तान मैंने लास्ट टाइम की थी 2015 में। मेरी ये चौथी रैक, ये मैं स्टॉक डी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी पुरुद हूँ इंशाल्लाह। आज तो इंशाल्लाह उम्मीद अपने कैटेगरी में पोजीशन लाने का है। आगे डबल शॉक है, फाइबर है, बाकी सारा स्टॉक है, इंजन वगैरह सारा। दो रैकें की हैं, ज़बरदस्त ट्रैक है चोलिस्तान, तो हर टाइम ही ऐसा ही होता है। बाकी कोशिश है कि गाड़ी बचा के चलाएं, हम स्टॉक वालों के लिए खासकर गाड़ी बचानी होती है। मुकाबला तो हर किसी के साथ है, जितने भी रेसर हैं सबके साथ मुकाबला है। चोलिस्तान के लिए तो सारे ही जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब बहुत एडवेंचरस और एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज बड़ी अच्छी रैली है और है भी ये वो दो दिन के ऊपर, जो ख़ासतौर पर जो प्रो क्लास के हैं, तो इस लिहाज से इसमें इंटरेस्ट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मेहनत भी फिर उसी तरह करनी पड़ती है। दो दो रैकीज हम करके आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा फेवरेट जी झलमगसी और फिर चोलिस्तान, बस वही जो होती हैं, जो विद इन द लिमिट्स और विद इन द रूल्स जो मॉडिफिकेशन हैं उतनी की हुई हैं, बाकी ये कि फुली प्रिपेयर्ड हैं, फुल रेडी हैं इंशाल्लाह। सबके साथ ये जी मुकाबला तो सबके साथ होता है, बल्कि अपने आप के साथ ज़्यादा होता है, अपना माइंड, अपना टेम्परामेंट, उससे मुकाबला सबसे ज़्यादा इंसान का होता है। ऑब्वियसली सर एक्साइटमेंट तो होती है, रैकी का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मैं तीन रैकीज की हैं, मैं 2014 से हूँ जी रेस में, बस अल्लाह खैर करे जी, एक्साइटेड तो हर दफ़ा ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर रैकी की है, दो तीन दफ़ा की है, ट्रैक अच्छा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग ट्रैक बनाया इस दफ़ा तो, लेकिन अच्छा ट्रैक है। आज के तो क्वालिफाइंग भी बड़ा चैलेंजिंग है सर, मैं 5-6 रैकियाँ कर चुका हूँ, क्योंकि होम ग्राउंड है हमारा, घर का ट्रैक है, तो इसमें रैकीज हमारी ज़्यादा होती हैं। चोलिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया में इस तरह का ट्रैक नहीं होगा। एक्साइटमेंट तो बिल्कुल है रेस की, रेस ना हो तो हमें परेशानी होती है, रेस हो तो हमें खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इस दफ़ा भी चोलिस्तान को इन्होंने अरेंज किया है, बहुत अच्छा बना दिया है। इवन कोविड की वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ थी, लेकिन काफ़ी इन्होंने TDCP ने भी, बाकी लोगों ने भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है सब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। चोलिस्तान तो हमारी शान है मुल्क की, इतना बड़ा डेजर्ट और सबसे बड़ी रेस है पाकिस्तान की। चोलिस्तान की रेस में मैं 1995 से आ रहा हूँ, रेस पाकिस्तान में इम्प्रूव करती जा रही है, और उसमें आप देख रहे हैं जैसे कि स्टॉक कैटेगरी में भी अब हर आने वाले नए बंदे को भी पता है कि मुझे किस तरीके से गाड़ी प्रिपेयर करनी है, तो ड्राइवर्स जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा मुकाबला बहुत अच्छे लोगों के साथ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे, लेकिन मैं शौकिया वो कर रहा हूँ इसमें पार्टिसिपेशन। वी वेरी होपफुल के विल गिव गुड टाइम। थल थोड़ा सा ज़रा डीप सैंड है, चोलिस्तान रिलेटिवली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ओपन पट भी ज़्यादा आते हैं, थल में ओपन पट ज़रा कम है। इसमें आपने गाड़ी बेसिकली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं और वो आप करें, और सेकेंडली ये है कि मिड में बीच में थोड़ा सा सेक्शन है जो हैंडलिंग सेक्शन है, बट मेनली इट्स यू नो इट्स द स्किल ऑफ द ड्राइवर। आई थिंक थल इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। वैसे भी चोलिस्तान सबसे बड़ी रेस होती है पाकिस्तान की, उसमें ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्ट इन होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि थल शुड बी द एंट्री पॉइंट। मामू के ज़रिए शौक लगा था, बचपन से शौक है, रॉनी पटेल जी, रैकी का एक्सपीरियंस अच्छा था, और देखते हैं इंशाल्लाह रैली में क्या होता है। तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए चोलिस्तान में गाड़ी भगाते, आज कुछ छठा इवेंट है, और चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है और रेस भी सबसे बड़ी होती है, फैन फॉलोइंग भी इसकी सबसे बड़ी है। सर सी प्रिपेयर्ड में गाड़ियां तो सब अच्छी हैं,
काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बस ये है कि जो अच्छा चलाएगा, गाड़ी बचाएगा, फिनिश करेगा, वही आगे आएगा पोडियम पे जी। रैकी पे जी काफ़ी कुछ जो हाई स्पीड सेक्शंस हैं उस पर ज़रा काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट आउट भी जाना है, अपनी रेसिंग लाइन भी पकड़नी है, तो इसके लिए ज़रा स्ट्रैटेजी यही है कि गाड़ी को भगाना भी है और ज़रा बचाना भी है उधर। सर थल में जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है और उसका वो इतने ज़्यादा अपने रंग रूप नहीं बदलता जितने चोलिस्तान बदलता है। चोलिस्तान रैकी पे जो डिप होगी हो सकता है रेस वाले दिन ख़त्म हो गई हो, और ट्रैक जो है अपनी डायनामिक्स भी बदलता है, कहीं सीधे पट आते हैं, कहीं सैंड ड्यून्स आते हैं, कि खाबड़ सेक्शन हम आता है, तो चोलिस्तान तो वैरायटी ऑफ टेरेन है इसमें जी। जल तो जी हमारा घर है, वो हमेशा ही फेवरेट रहता है, लेकिन मेरा फेवरेट ट्रैक जो है वो थल है, क्योंकि उसमें हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरा फेवरेट ट्रैक है। चोलिस्तान एंड्योरेंस रेस है, बड़ी रेस है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है, और हम सजेस्ट करेंगे कि ये आगे से 1000 किलोमीटर पे हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत जी हमेशा ही मोटिवेटेड होते हैं, आज भी हैं इंशाल्लाह जी। प्री रनिंग की है काफ़ी अच्छे तरीके से, रैकी की गाड़ी भी अच्छी थी तो काफ़ी अच्छी रही है, तो वही 4.6 है, इंशाल्लाह इस सीज़न के बाद चेंज करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, गाड़ियाँ गई है और भी इंशाल्लाह गाड़ियाँ जा रही है, बहुत अच्छी टाइमिंग में आ रही है, बहुत अच्छा ट्रैक बना है इस दफ़ा, या एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बस आप दुआ करें अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। एज ए मेज़बान हमारा, हम बिलोंग करते हैं इधर चोलिस्तान भावलपुर से ही, सब आने वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं, लोग हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से ना खुश आमदीद कहते हैं, सब के लिए बेस्ट विशेस दुआएं करते हैं। मैं दूसरी रेस है मेरी, हेल मोटिवेटेड। असल में हमारे पास जो पाकिस्तान में नॉर्मली जो रेसिंग होती है वो हमने रोड्स पे रेसिंग देखी है और दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, तो यहाँ पे जब पता चला कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ, रोल बार्स के साथ और इस तरह जो ना एक प्रॉपर रेसिंग का वो होता है, वी सेड व्हाई नॉट, और यहाँ आके बड़ा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया वो रेसिंग कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा मज़ा, लाइक रेसिंग से हट के रेसिंग कम्युनिटी पैसे उसके हैं सर जी। मेरे अब्बू जो हैं काफ़ी अरसे से रेसिंग कर रहे हैं, तो उनको देख देख के ही मैं बड़ी हुई हूँ, उनको देख कर ही मेरा शौक पैदा हुआ है। मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ कि मेरी सेकेंड टाइम है, तो चाहती हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छा हो और उससे बेहतर टाइम दूँ और ट्रैक उसी सेफ्टी से कंप्लीट कर सकूं। ये गाड़ी है टकोमा 4 लीटर 1GR सुपरचार्ज्ड है, सस्पेंशन वगैरह इसकी हमने ट्वीकिंग की है ताकि चोलिस्तान की ड्यून सैंड वगैरह को ये झेल सके। देखते हैं, मेरी तो पहली रेस है, तो देखते हैं किसके साथ मुकाबला, बहुत अच्छा करेंगे तो आइडिया होगा और ज़्यादा। आएँ पूरी तैयारी के साथ आएँ, सेफ्टी का ख्याल रखें और फिनिश करने की करें। हम इधर चोलिस्तान के रहने वाले हैं, इधर के बासी हैं, तो हमें चोलिस्तान से मोहब्बत है जी। बिल्कुल ट्रैक, क्योंकि 2 दिन के हैं, हमने दोनों ट्रैक्स की 2-2 दफ़ा रैकीज़ की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी चोलिस्तान एज एवर द बिगेस्ट इवेंट ऑफ पाकिस्तान। Hi guys, I'm Angela Carson, a YouTuber from the US. I love this. I'm having such a good time. The race so far is just the qualifying rounds, but there's so much energy and the Cholistan desert is beautiful. That I think corporate sponsors need to start coming into the rally in Pakistan, that it's extremely exciting and that this is something for the international community to start taking note of. Sir, Raki ka experience acha raha hai, motivated inshallah Allah khair karega, abhi track to kafi thoda kharab hua hai. बहुत मोटिवेटेड है जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल का क्वालिफाइंग बहुत अच्छा गया है, मैं 3rd था ओवरऑल, तो आर होप्स आर वेरी हाई। दिस इज अ न्यू ट्रक, पहले इसके थोड़ी बहुत रैकी पे इसकी प्रैक्टिस की हुई है, रन किए हैं, इस दफ़ा जो चोलिस्तान का ट्रैक है बहुत अच्छा है, ये है सही वो बड़े और अमेरिकन ट्रक्स और उनके लिए, सो उम्मीद है कि हाई स्पीड होगा इंशाल्लाह ताला और फास्टर देन यूजुअल फिनिश करेंगे। स्ट्रैटेजी होगी जी जहाँ पे ट्रेन इजाज़त दे वहाँ पे हाई स्पीड यानी मीटर डाउन आइडियली, और जहाँ पे कोई ट्रिकी एजेस होते हैं जहाँ पे थोड़े टर्न्स और वो सारे वो एहतियात करेंगे, क्योंकि 2 दिन की रेस है प्रो क्लास की, तो मैं ए प्रिपेयर्ड में क्योंकि रन कर रहा हूँ, हम फिर कोशिश करेंगे कि आज के दिन जितनी हम मतलब आज हम 75% पे चलेंगे। चोलिस्तान का एक तो यहाँ पे डारें बड़ी अच्छी हैं, लंबी डारें हैं, वहाँ पर स्लिपिंग स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये हर तरह का मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन पाकिस्तान। बस स्ट्रेटजीज तो मतलब नॉर्मली रेस ही करनी है, 4 स्टेजेस हैं तो बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है पहले दिन, तो अल्लाह मालिक देखते हैं। रैकी के दौरान जो है वो बेसिकली ट्रैक को स्टडी कर रहे थे, उसके सारे पॉइंट्स नोट कर रहे थे कि किस जगह पर आप तेज़ जा सकते हैं, किस जगह पर आप आहिस्ता जा सकते हैं, एंड एक स्ट्रेटजी बनाई है, होपफुली उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे हम इस रेस के दौरान, होपफुली एंड लेट्स सी क्या होता है। गाड़ी जितनी हो सकती है प्रिपेयर की हुई है अकॉर्डिंग टू द टेरेन,
मॉडिफिकेशंस हुई हैं इसके अंदर. अब वो मॉडिफिकेशन किस हद तक कामयाब हैं या किस हद तक हुए हैं वो तो आफ्टर रेस ही पता लगता है, बट इट्स फुली प्रेप्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करें और काफ़ी स्ट्रेट्स हैं, काफ़ी टर्न्स भी हैं, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ सकता है, खासकर टायर प्रेशर. ऐसे टायर प्रेशर रखना पड़ेगा हैकिंग भी सही हो और स्पीड भी आप कैरी कर सकते हो. एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, टायर भी अच्छा है माशा, पिछली जब हम अपने ट्रैक थे उनको चेंज है, लेकिन अच्छा ट्रैक हमें आया है, काफ़ी मोटिवेटेड है. आगे बनना कह रहे हैं जी नई गाड़ी पर, ये 2.8 वही रिव्यू का इंजन है इसमें, लेकिन ये सस्पेंशन वगैरह बेहतर है, जी जज्बा तो हमारा जी बहुत हाई फाई है और अल्लाह से बहुत पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गुड पोजीशन में आए. अपनी तरफ से तो पूरा है, ये एग्रेशन तो इंशाल्लाह फील्ड में आपको दिखाएंगे. थल की रेत और इस रेत में काफ़ी फ़र्क है, मगर वो भी बड़ा अपने लिहाज से टेक्निकल और चैलेंजिंग ट्रैक है, और ये जिस ट्रैक पे आज हम जा रहे हैं ये भी बड़ा चैलेंजिंग ट्रैक है. इसमें बड़े हम्प्स वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा हम्प्स हैं और ये सैंड है और वो मिट्टी वाला ट्रैक है. ये शुरू में 10 किलोमीटर हैं वो बहुत ख़राब हैं, और उसके बाद भी कुछ 20 किलोमीटर का है बड़े हम्प्स वगैरह हैं. अल्हम्दुलिल्लाह फील तो वही हर साल जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट का, बाकी रेकी भी की है अच्छी खासी, देखते हैं इंशाल्लाह. प्लानिंग यही है, तोड़ना नहीं है जो हर किसी का होता है. हाँ स्पीड यहाँ से तो 30 किलोमीटर तक बाकी स्लो है, उसके बाद इंशाल्लाह स्पीड ठीक रहेगा. बहुत मोटिवेटेड हूँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली है, तो इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे. रेकी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और बहुत टफ ट्रैक है, बहुत हाई स्पीड कॉर्नर्स है. स्ट्रेटजी बस यही है कि मिला के गाड़ी चलाने की, कि गाड़ी टूटे भी ना और स्पीड भी मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है. ए स्टॉक में रेस कर रहा हूँ 5.7 टन ड्रॉप. पूरी उम्मीद तो हमेशा होते हैं, ट्रैक है काफ़ी टफ, दो रेखियाँ की काफ़ी डिटेल में, और हैं ट्रैक पे कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको बड़ा केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, देखते हैं क्या होता है. जो खाबड़ पोर्शन जिसको हम कहते हैं वो स्पेसिफिक टू चोलिस्तान है, वो बड़ा टफ होता है, उस पर गाड़ी टूटने का बड़ा चांस होता है, तो उस पर बेसिकली ज़रा एहतियात से तंबल से गाड़ी चलानी चाहिए, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, एक अच्छी पेस रखनी है और इतनी अच्छी रखनी है कि पोडियम पर जो है तो चांस बन जाए. हाँ जी बड़ी पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट, पूरी एफर्ट डाली है, और आपको पता है इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन एफर्ट, इट्स नॉट जस्ट ड्राइवर और नेविगेटर, इट्स अ होल टीम बिहाइंड द सीन, तो एवरीवन हैज पुट फुल एफर्ट. इट्स अ वेरी नेचुरल ट्रैक एंड इंशाल्लाह चांसेस आर हाई, विल परफॉर्म आवर बेस्ट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इस स्टॉक इज द मेरे ख्याल स्टॉक की बल्कि इस पूरे रैली के अंदर इस कैटेगरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, टफ कैटेगरी, क्योंकि आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है एंड यू हैव स्टॉक सस्पेंशन. So I think this is the toughest category. Whole learning curve. It's not a overnight thing. ये नहीं है कि आप आएंगे और आके पोडियम ले जाएंगे. यहाँ पे भी लोग हैं 15-15 साल से रेसेस कर रहे हैं. So it's an experience actually. मैं यही कहूँगा आएँ, ज़रूर आएँ. It's the only authentic race in Pakistan जो कि allowed है legally and it's been promoted by TDCP as well. So I think they should come rather than सड़कों पे रेस लगाने से बेहतर है यहाँ पे आएँ, अपना पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लेकर आएँ. माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चोलिस्तान में एक तो आने में बड़ी खुशी होती है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा ट्रैक हम लोगों को लगता है. इस दफ़ा ये एक ही शिकायत हम कर सकते हैं कि ट्रैक थोड़ा सा छोटा है, एज अ ड्राइवर जो हम लोगों को आदत बढ़ गई है 220-240 किलोमीटर रेस चलाने की, तो उस हिसाब से 165 किलोमीटर थोड़ा सा छोटे लग रहे हैं, मगर उसमें यह है कि जिस तरह से पहला सेक्शन जो है हमारा वो रेकी में थोड़ा सा उसने शो किया कि जी वो थोड़ा सा टेक्निकल उस तरह से कि आप थोड़ा ज़्यादा फ्लैट नहीं जा सकते, उसमें थोड़ा सा केयरफुल भी होना है, और जिसे आप कहते हैं कि थोड़ा सेंसिबल ड्राइविंग करने वाला ट्रैक है, तो वो शायद उसकी वजह से थोड़ा कॉम्पेंसेशन मिल जाए.